हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनडीए का जो 2021 का सिलेबस है वो रिलीज़ हो चुकी है, तो आपको किस तरीके से कौन से वेबसाइट से जो है चेक करनी है। तो आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सब कुछ। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले किसी ब्राउजर से google.com ओपन कर लेना है। वहाँ पर आपको टाइप करना है एनडीए 2021 IAS पर। IAS पर एक एक्सप्रेस वेबसाइट है जहाँ पर आपको एनडीए के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करनी होगी। फिर जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले पर क्लिक करनी होगी। आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है ये। फिर जैसे आप क्लिक करते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक दे रखा है, तो उसे ओपन करेंगे तो आप इस पेज पर डायरेक्टली ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एडमिट कार्ड जो है अभी अवेलेबल होने वाली है कुछ ही दिनों में, यहाँ पर लिखी हुई है। ओके, तो यहाँ पर नीचे आनी है, नीचे आनी है, लास्ट सेकेंड जो है सिलेबस लिखी हुई है ना, यहाँ पर आपको क्लिक करनी है। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो न्यू टैब में ओपन होते हैं। यहाँ पर आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। जैसे ओपन होता है सिलेबस का पेज, यहाँ पर ओपन हो जाता है आपका 2021 का सिलेबस अवेलेबल है। यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले कि नेशनल डिफेंडेंस एकेडमिक यहाँ पर लिखी हुई कि एग्ज़ाम पेपर पैटर्न यहाँ पर बताए गए हैं, तो ये पेपर पैटर्न देख लेना है आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफेंस एकेडमिक एनडीए सिलेबस यहाँ पर बताई गई है, क्या है सिलेबस सब्जेक्ट वाइज बताया गया है आपको। सबसे पहले इस फॉर्म को फिल कर देनी है, जो सामने आपके फॉर्म में क्या फिल करनी है, आपका पूरा नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, अपना जो भी ईमेल आईडी, अपना यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप कीजिए। आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स में इंटरेस्ट है उस कोर्स को, अरे आपका जो है कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, तो सॉरी यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप टाइप करना। फिर आपको जो है स्टेट सेलेक्ट करनी है, आप कौन से स्टेट से हैं। ओके, फिर आपकी सिटी कौन सी, सिटी सेलेक्ट कर लीजिए। आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है उस कोर्स को सेलेक्ट कर लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बता देनी है, मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन पर क्लिक करूँगा। 12th है तो 12th पर सेलेक्ट करूँगा, जो भी आपकी रहेगी वो अपना सेलेक्ट कीजिए। फिर गेट फ्री काउंसलिंग आपको क्लिक करनी है। उससे क्या हुआ कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आते रहेंगे, तो आप गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट, इसी तरीके से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट देख सकते हैं, मैथ्स का यहाँ पर बताया गया है, कॉन्सेप्ट टॉपिक्स यहाँ पर बताया गया कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया, अलजेब्रा दिया, तो अलजेब्रा में इतने सारे टॉपिक्स आपको जो है सिलेबस में आए हैं, तो ये सिलेबस के जो है में है और आपको एग्ज़ाम में यही सारी चीज़ें आएंगी, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है। आप मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेशन का यहाँ पर देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स। फिर एनालिटिक्स ऑफ ज्योमेट्री ऑफ टू एंड थ्री डायनेजिजम्स। ओके, तो यहाँ पर ट्राइंगल सर्कुलरिज्म, डिस्टेंस फार्मूलाज, एजुकेशन लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यहाँ पर सारे जो है पॉइंट्स आपको जो है टॉपिक्स दिया गया, ये टॉपिक्स आपको रिवाइज करनी है। ट्रिग्नोमेट्री का भी बताया गया है, डिफरेंशियल कैलकुलेट भी बताया गया किस तरीके से जो है, तो सारे आपको सब्जेक्ट जो है बताए गए हैं। स्टैटिक्स चैप्टर है, ओके, अब वेक्टर अलजेब्रा। अब यहाँ पर देख सकते हैं जनरल एबिलिटी जो है पेपर टू, सब्जेक्ट पेपर टू है जनरल एबिलिटी का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या लिखी हुई है। इंग्लिश पेपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंग्लिश सेक्शन में ग्रामर, यूजेस, वोकैबल, कंपैरिजन ऑफ एंट्रेंस, एक्सटेंडेड टेक्स्ट, यूज ऑफ वर्ड, पार्ट बी जीके, ओके, जीके जो होता है जनरल नॉलेज, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट बताए गए कि केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज़, फिजिक्स इंक्लूडेड इसमें, इस जीके में जनरल नॉलेज में ग्राफ, जियोग्राफिकल, जनरल साइंस, सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब इंक्लूडेड है, इसी में मिक्स है। अब ये जो है फिजिक्स का यहाँ पर सारे जो है टॉपिक्स, चैप्टर वाइज टॉपिक्स आपको बताया गया, मार्क्स है, वेट हुआ, वॉल्यूम हुआ, डेंसिटी हुआ, स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ अर्चीमेंट, प्रेशर ऑफ बारोमीटर, मोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस, न्यूटन लॉ ऑफ मोशंस, फोर्स एंड मोमेंटम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में सारी चीज़ें, तो इसी तरीके से आपको देखनी है। फिर वैसे सेक्शन बी में जो है केमिस्ट्री का भी दिया गया है, फिर जनरल साइंस का भी दिया गया है, तो बहुत सारे यहाँ पर दिए गए, सारे यहाँ पर दिए गए टॉपिक्स वाइज सब कुछ आपको इजी हो गया है। आप पढ़ना आपको बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पढ़ते हैं, तो इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। तो अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ऐसा ही वीडियो फीचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।